हेलो दोस्तों, कैसे वो सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही मस्ती में होंगे। बाकी यार मस्ती में हो ना, अगर हो तो वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। तो गाइस, अभी आप मेरे वीडियो का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो का जो बैकग्राउंड है आप सर्वेंद्र भाई के वीडियो में देखते होंगे। देख सकते हैं आप, अगर सर्वेंद्र भाई को नहीं जानते तो बगल में उस वाले वीडियो को मैं प्ले कर दे रहा हूँ, देख पा रहे हो सर्वेंद्र भाई का वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस भाई के वीडियो में आपको इस तरह का बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता था। तो मैं इस टाइम पर देख रहा हूँ कि इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत सारे क्रिएटर है जो अभी इस टॉपिक मतलब इस वाले बैकग्राउंड का यूज़ करके अभी वीडियो बना रहे हैं, और उनका जो वीडियो अभी अच्छा खासा वायरल हो रहा है। डेमोस्ट्रेशन के तौर पर गाइस आप इस लड़के का वीडियो आप देख सकते हैं। इस भाई का मैं इंस्टाग्राम का जो आईडी है मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। अब इनका अगर देखोगे तो इस वाले वीडियो में उनका अच्छा खासा उनका रिस्पांस मिला है। तो आप भी अगर दोस्तों अपना वीडियो को इसी तरह से एडिट करना चाहते हो तो गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे अपने किसी दीवार के सामने जाके एक वीडियो को शूट कर लीजिएगा। मैं गाइस आपको एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे देख पा रही इस लड़की का वीडियो को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लड़की के वीडियो के पीछे आपको ब्लैक स्क्रीन है, ठीक है। जरा जैसा मेरा वीडियो के पीछे ब्लैक स्क्रीन है, इसी तरह से इस लड़की का वीडियो के पीछे भी ब्लैक स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो गाइस आपको एक वीडियो को शूट कर लेना होगा। शूट करने के बाद दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं की हो तो वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से आपके भाई में वीडियो बना के जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा भर के आता है। और चैनल पे अगर आप नहीं हो और आपको इसी प्रकार से एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी दोस्तों बिना किसी देर के चलिए मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन की ओर लेके चलता हूँ, देन आपको वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाऊंगा। तो साथियों, इस तरह का वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऐप का जरूरत पड़ने वाला है। पहला आपका टर्बो ओपन जो कि एक वीपीएन सॉफ्टवेयर है, दूसरा है कैपकट। अगर आप मेरे वीडियो को इंडिया से देख रहे हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टर्बो ओपन को कनेक्ट कर लेना होगा। कनेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ पे कैपकट ऐप को ओपन कीजिएगा। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएंगे। अभी आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके गैलरी में जितने सारे वीडियो हैं वो आपको यहाँ पर अभी शो होने लगेंगे। अभी आपको यहाँ फोटो वाले ऑप्शन पर जाना होगा। जाने के बाद आपको यहाँ पे मैं 5 बैकग्राउंड को दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। अगर आपको इन 5 बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है तो आपको इस वाले वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, तभी गाइस आप इन सारे बैकग्राउंड को आप डाउनलोड करने सकोगे। तो आज का जो वीडियो है गाइस मैं इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर बनाना चाहता हूँ। तो आपको जिस भी बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो बनाना है उस वाले बैकग्राउंड को आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, देन आपको इसको ऐड कर लेना है। देख सकते हैं दोस्तों जो वीडियो का बैकग्राउंड है मेरा यहाँ पर आ चुका है। अभी आपको लास्ट में जाके ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड रहता है इसको आपको पहले डिलीट कर देना है, नहीं तो अगर आप इसको डिलीट करना भूलोगे तो आपके वीडियो के एंड में ये चिपका ही रहेगा। सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है इसका ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे अंदाजे में बढ़ा लेना होगा। मैं गाइस कम से कम इसका ड्यूरेशन को बढ़ा के 15 सेकंड के लिए कर देता हूँ, बाद में अपने वीडियो के हिसाब से इसको मैं एडजस्ट कर लूँगा। अभी आपको ये जो बैकग्राउंड इस वाले बैकग्राउंड को थोड़ा आपको कलर ग्रेडियंस करना है। उसके लिए आपको नीचे में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर एक एडजस्ट का ऑप्शन दिखेगा, देख सकते हैं। आपको दोस्तों इस वाले एडजस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना होगा सिवाय सैचुरेशन को। आपको यहाँ पे सैचुरेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन कुछ इस प्रकार से इसको आप यहाँ पे इंक्रीज कर दीजिएगा। जैसे आप इसको इंक्रीज करते हो आपके बैकग्राउंड में यहाँ पर चमक बढ़ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर ओके कर लेना है। करने के बाद साथ ही आपको नीचे में जो ऑप्शन सब दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, इसी ऑप्शन के बीच आपको यहाँ पर इफेक्ट का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको दोस्तों इस वाले इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार के इफेक्ट आपके सामने आएंगे। अभी आपको बेसिक में चले जाना होगा। जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर ढूंढना होगा ब्लर। आपको गाइस जहाँ पर सिर्फ ब्लर लिखा होगा उसी जगह को आप सिलेक्ट कीजिए, देख पा रहे ये रहा ब्लर, सिर्फ ब्लर लिखा हुआ है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन आपको उसको ओके कर लेना है। सबसे पहले ये जो बैकग्राउंड है इसका ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे आपका जितना वीडियो का बैकग्राउंड का ड्यूरेशन रहेगा इतना में आप कर लीजिएगा। करने के बाद साथ ही आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ में आप यहाँ पे आ जाइएगा। आने के बाद अभी आपको नीचे में ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आपको इस वाले ओवरले के ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन एड ओवरले को सिलेक्ट करके अभी आप जिस वीडियो का आप यहाँ पे उस तरह का बैकग्राउंड लगाना चाहते हो उस वाले वीडियो को आपको यहाँ पर अभी सिलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको दिखाने के इस लड़के का जो वीडियो इसको सिलेक्ट करता हूँ, देन मैं इसको ऐड कर लूँगा। देख सकते हैं दोस्तों जो वीडियो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथों के फिंगर की हेल्प से कुछ इस प्रकार से वीडियो को बड़ा कीजिएगा, देन उसको मैं यहाँ पर अपने वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, आप अपने वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा। करने के बाद साथ ही अभी आपका जितना आपका वीडियो का ड्यूरेशन रहेगा ऊपर वाला जो बैकग्राउंड है उसका भी ड्यूरेशन को आपको इतना ही रखना है। अगर आप देखते हो तो इतना है इसका ड्यूरेशन, तो आपको अभी बैकग्राउंड में क्लिक करके देन स्पीड कर देना है, देन ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप इसको डिलीट करके हटा दीजिएगा। अभी दोस्तों आपका जो फाइल है इस पर आपको क्लिक करना है।
अभी आपको इस वाले वीडियो का जो बैकग्राउंड है आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए दोस्तों आपको नीचे में यहाँ पर देख पा रहे हो, उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको बैकग्राउंड कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको इस वाले वीडियो में कमेंट में मैंने उस लिंक को मैंने पिन कर दिया, आप जाके लिंक पर क्लिक करके आप सारे बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लीजिएगा। करने के बाद अभी आपके जो बैकग्राउंड है इसको आपको रिमूव करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर देख पा रहे रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर गाइस रिमूव बैकग्राउंड का 100% तक होगा, ठीक है। मैं इसको पहले भी एक बार बैकग्राउंड रिमूव किया हूँ इसलिए मेरा यहाँ पर तुरंत हो चुका है। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है, ये गाइस वीडियो पहले से एडिट किया हुआ है इसलिए आपको इसमें बढ़िया चमक दिख रहा है, ठीक है। कलर में बॉडी में यहाँ पर अलग अलग चमक दिख रहा है। अगर गाइस आपको अपना वीडियो में अगर थोड़ा सा यहाँ पर कलर ग्रेडियंस करना है तो आप इसमें क्लिक कीजिएगा पहले, देन आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाना होगा। जाने के बाद आप अपने वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। इसमें वीडियो में कुछ कमी नहीं है क्योंकि ये पहले से एडिट किया हुआ वीडियो है तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हल्का सा इसको टच दे दीजिएगा। देन अभी अगर मैं अपना वीडियो को प्ले करके दिखाऊँ तो गाइस वीडियो अभी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, देख सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप बहुत ही आसान सिस्टम को फॉलो करके आप इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। अभी आपको इस वाले वीडियो को सेव करने के लिए आप इस वाले शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, देन अपना पसंद के रेजोल्यूशन में दोस्तों वीडियो को आप यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो ट्यूटोरियल है आपको समझ में आ चुका है। फिर भी अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपका कुछ भी सवाल हो तो आप मेरे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो वीडियो का डिसलाइक कीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो भाई के चैनल यार सपोर्ट करना तो बनता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, टाटा, नमस्कार।